Hello students, how are you? I hope you all are enjoying this abacus class. Let's start. Today we'll learn how to use the abacus tool. Okay, but before that let's do some revision of the finger practice which you have done so far. So let's see how much you remember today. तो अभी जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. तो क्लोज योर हैंड्स एंड गेट रेडी फॉर दिस. नाउ शो मी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, now 10. Very good. You all understand this? 11, 12, 13, 14, 15. Thumb is used for the number 5. Do you all remember? Okay. So thumb is for 5. So 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and now we want the number 100. लेकिन ये हमारे दोनों हैंड्स पे तो पॉसिबल है ही नहीं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू आस्क फॉर अनदर हैंड. बट हु विल गिव यू द अनदर हैंड? नो वन इज फ्री टू गिव यू द अनदर हैंड टू डू योर कैलकुलेशंस. सो नाउ द रोल ऑफ अबाकस कम्स हियर. तो लेट्स सी हाउ डू वी यूज दिस अबाकस. सो दिस इज अवर 13 रॉड अबाकस विच यू ऑल हैव नाउ. The seniors and they are having the red color abacus and the juniors are having the yellow color abacus. Okay. So this is our abacus tool. You can see that we are having the abacus tool here. So let's see first about its parts. So this is the frame, the rectangular part. This is called the frame. This line which is in the center, that is called the value bar. These are the beads, this yellow color which you can see here. These are the beads and these are the rods which are in between these lines. These are called the rods. Okay, abhi inke beech mein aap kuch white dots dekh rahe hain. These are called the unit dots. Aap unit dots ke bare mein jante hain? Unit dots means ones place. Okay, सो वंस की प्लेस के लिए ये यूनिट डॉट्स यूज होते हैं, जो कि हम अभी यूज नहीं करेंगे. हमारी हायर कैलकुलेशंस में इनका यूज होगा. नॉर्मली जो अबाकस जो यूजर्स हैं वो लोग इन यूनिट डॉट्स पर ही सारी कैलकुलेशन करते हैं. बट हमने ये रिसर्च में पाया है, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजीज ने रिसर्च में पाया है कि जब हम यूनिट डॉट्स पे अबाकस की शुरुआत करते हैं तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं. जैसे अगर हम इसमें यूज करते हैं दिस इज वन, तो बच्चों को अगर नेक्स्ट वन प्लेस करना है तो दे कैन यूज इट हियर. तो इससे ये जो है गलत हो सकता है. तो इसलिए वी टेक द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर जहाँ पे हम अबाकस को यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स सी हाउ डू वी यूज इट. वी विल यूज ओनली टू फिंगर्स, थंब एंड द इंडेक्स फिंगर फॉर दिस. सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस अबाकस. तो सबसे पहले हमने इसके फ्रेम के बारे में जाना. ये वैल्यू बार है, दीज आर द बीड्स एंड दीज आर द रॉड्स. अब इसमें ये जो वैल्यू बार है ये अबाकस को टू पार्ट्स में डिवाइड करिए. दिस इज द लोअर पार्ट ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ. ये है अपर पार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेवन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम अबाकस को राइट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे एंड देन वी विल यूज द राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द अबाकस टूल. दिस इज द वंस प्लेस फॉर द स्टार्टिंग. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख्स एंड लाइक दिस. वी कैन यूज एज मच एज बिगर नंबर एज वी कैन एज वी वॉन्ट टू यूज. ओके, सो वी विल होल्ड द अबाकस विद द राइट हैंड. देन वी विल यूज अवर थम एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड टू यूज दिस अबाकस. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लोअर पार्ट है इसको कैसे यूज करना है. लोअर पार्ट की बीट्स के लिए हम लोग सिर्फ थंब यूज करेंगे एंड टू स्टार्ट विद वी आर यूजिंग विद द सिंगल रॉड ओनली.
हम से बंस की रॉड यूज करेंगे टू फर्स्ट टू लर्न अबाकस हाउ टू यूज अबाकस. ओके तो यू विल टेक आउट अवर थंब लाइक दिस. नाउ पुट इट ऑन द फर्स्ट बीट एंड मूव इट टूवर्ड्स द वैल्यू बार. ओके लाइक दिस. प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन. Now all four beads are touching the value bar, so the answer is 4. Okay, now we have to subtract. Subtraction ke liye we will use the index finger. Minus 1, minus 1, minus 1 and minus 1. So the we have done subtraction with the index finger only. Theek hai? Once again let's do it. Plus 1 with the thumb. Plus 1 move the beads up. प्लस वन प्लस वन. अब माइनस करते हैं विद द इंडेक्स फिंगर. माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड माइनस वन. ओके तो हमने क्या किया, थंब से बीट्स को अप किया और फिंगर से हमने माइनस किया. ओके फॉर द वैल्यू नंबर 5 जो कि हमारी अपर बीट की वैल्यू है दैट इज 5, इसके लिए हम सिर्फ सिंगल फिंगर यूज करते हैं दैट इज इंडेक्स फिंगर. प्लस 5 एंड माइनस 5. ओके प्लस 5 एंड माइनस 5 लाइक दिस. ओके सो हाउ डू वी यूज विल वी डू द कैलकुलेशंस. प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2. प्लस 2 के लिए वी विल मूव टू बिट्स टुगेदर लाइक दिस. ओके तो नाउ दिस इज 4. नाउ सब्ट्रैक्शन विद द इंडेक्स फिंगर. माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1. तो सब्ट्रैक्शन हमने किया इंडेक्स फिंगर से. सो नाउ द वैल्यू इज अगेन 0. जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है दैट मीन्स इट इज अ 0 वैल्यू, राइट. अब हम 5 को मूव करेंगे इंडेक्स फिंगर से. प्लस 5 एंड माइनस 5. अब फिर से करते हैं. प्लस 5 प्लस 1. लुक व्हाट इज इट शोइंग नाउ. 5 एंड 1 जैसे हम अपने हैंड्स पे करते थे 5 एंड 1, ये क्या बन जाता था, दिस इज 6. तो वैसे ही जब हमने अपर बीट की वैल्यू 5 ली और नीचे का 1 लिया तो इट बिकम्स अ 6. ओके नाउ इफ यू ऐड वन मोर बीट हियर, नाउ इट इज 7, नाउ इट इज 8, नाउ दिस इज 9. ओके आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अबाकस को राइट हैंड से पकड़ के रखा हुआ है. वो इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि हमारे बीट्स जो है वो मूव नहीं हो उसमें, क्योंकि अगर हमारा पूरे अबाकस के बीट्स अगर हमारे ऐसे हिले डुले रहेंगे इस तरह से रहेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कैलकुलेशन कैसे करनी है. तो एवरी टाइम जब भी हम अबाकस को यूज़ करते हैं, न्यू क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम इसको रीसेट करेंगे. ठीक है तो रीसेट करने के लिए वी विल यूज द टू फिंगर्स लाइक दिस. अपने थंब और इंडेक्स फिंगर कैसे ज्वाइन करेंगे, जस्ट पुट इट हियर और धीरे से इसको वैल्यू बार पे मूव करेंगे लाइक दिस. सो नाउ इट इज अ 0. रीसेट पोजीशन में हमारे लोअर बीट सारे नीचे रहते हैं और अपर बीट जो है वो ऊपर रहता है. ओके तो जब भी हम अबाकस से क्वेश्चन करेंगे वी हैव टू डू दिस, रीसेट अवर अबाकस, देन वी विल स्टार्ट यूजिंग द क्वेश्चंस. ओके so let's do one more question using 5 plus 2 plus 5 plus 2 minus 3. now what the value is showing here, 6. very nice. upar ki value 5 aur niche ki value 6, both are touching the value bar, to iski value hai 6. okay to upper bead ki value hai 5, niche ki hai 1. तो नाउ इट बिकम्स अ 6 हियर. अगर हम इसमें एक और ऐड करते हैं तो इट इज 7. वन मोर दिस इज 8 एंड वन मोर दिस इज 9. ओके सब्ट्रैक्शन करते हैं. माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5. नाउ द आंसर इज 1. नाउ लेट्स रीसेट इट अगेन. रीसेट. ओके सो this is the way how we use abacus, right. so I expect ki aap logon ko acche se samajh mein aa gaya hoga. if you have any doubt you can ask our instructors and
यू कैन आस्क अस एनी टाइम, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस. और अभी इसमें आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड से अबाकस को यूज़ करना है. लेफ्ट हैंड का थंब और इंडेक्स फिंगर ही आपके अबाकस में यूज़ होंगे. अबाकस को स्टार्ट करने से पहले इसको रीसेट करेंगे, राइट हैंड से अबाकस को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से अबाकस को हम यूज़ करेंगे विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर. ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच.